मेरा नाम है विजय कुमार शर्मा। विजय कुमार, 2024 का 2024 का जो चुनाव है विधानसभा का सर पर आ चुका है, किस तरह देख रहे हैं उसको आप? बहुत बढ़िया देख रहे हैं और बीजेपी पूरे बहुमत से सरकार बनाएगी। हाल ही में आपके यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं गीता बुक्कल जी, उनमें क्या कमियाँ रही जो आप बीजेपी के साथ इतना बीजेपी? देखो, गीता बुक्कल तीन योजना बन ली, तीनों योजना में इस वार्ड का झज्जर डिस्ट्रिक्ट का कोई काम नहीं करा क्या उसने? ठीक है, उसको वोट किस आधार पर? वोट मांगने योग्य नहीं है उसको, तो गाँव में ऐसे ही चुप्पे मार दे रहे हो। भाई छोटा मोटा काम तो करना चाहिए, तभी तो आगे कभी छवि बना रहे, उनकी कोई छवि ही नहीं बना रखी उसने, न को काम किया है पब्लिक के लिए। तो अब की बात इसको वोट करें तो बीजेपी को ऐसा आप दो, हरियाणा से ऐसा मांग रहे हैं ना तुम, तारा दे दो तो संघ का क्या मांग रहे? तुम पहले अपनी कमी देखो, ऐसे झूठ बोलने का इन्हें काम किया है, झूठ बोल के काम चलेगा नहीं और देश को नीचे ले जाने का इन्हें काम किया। 2024 का चुनाव सर के ऊपर, किसको वोट दोगे भाई? बीजेपी को। हम तो क्या है, मोदी को वोट देंगे, वो भी लोकसभा भी हमने वो जीत लिए मोदी को ही दोगे? हम तो सर्विसमैन है, तो हमारा फायदा कर रहा है। तो कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दे रहे भाई? मतलब हमारा काम, उनने काम में ना करा तो मतलब ना हम क्या। फिर अब तीसरी बार फिर दोबारा हम तो भाई मोदी को, उसको कोई भी होगा बीजेपी का वोट, बीजेपी को वोट। रमेश जी, 2024 का विधानसभा चुनाव सर के ऊपर है भाई, मोदी की वोट जाओ। आपके गांव में मैंने लगातार सर्वे कर रहा हूँ, डॉक्टर राकेश का पता लगा जा रहा, किस तरह देखते हैं भाई? हम तो बीजेपी की वोट गिर रहा, क्रिश्चियन वोट मोदी वोट टिकट से ठीक है, वो कैंडिडेट बाप बीजेपी साथ रहेगी। हां, बीजेपी साथ। आपके यहां से विधायक कांग्रेस की है गीता बुक्कल, पर तीन स्कीम योजना का बनाना लग रही है, वो सही मारा बस की थोड़ी है, हम तो देखता कोई काम किया उन्होंने आपका? काम तो सारा करें जो थोड़ा बहुत करे, जा हो बट्टा हो तो ठीक। बीजेपी सरकार नारा देती है बिल की ना खर्ची ना पर्ची नौकरी का, आपके गांव में कुछ लगे हैं बच्चे? घने बच्चे लगे हैं बीजेपी राज में। हाँ, तो अब की बार वोट की चोट किसको दोगे? बीजेपी को ही देंगे, बीजेपी सरकार। क्या नाम है जी आपका? मेरा कपूर सिंह है, अक्षर बेन बच्ची। आप 2024 का विधानसभा चुनाव आगामी सर के ऊपर है, किस तरह देखते हैं आप? हम भाई मोदी की तरफ देखते हैं, मोदी की तरफ। हाँ, देश के लिए अच्छा करे, फौज के लिए अच्छा करे। हाल ही में आपके यहाँ से विधायक कांग्रेस की तब उकल है, कांग्रेस की ना दें वोट भाई, क्या कमियाँ रही है? क्या कमियाँ रही है? कमी सारी कमी वो पूछती है, तीन बार बना ली यार, बता मारो क्या करे उसने? 15 साल होगा कुछ भी ना करे मारो उसने, गीता बुक्कल ने चीन और पाकिस्तान ट्रेन ला के मोदी कारण तो हमारी सोचा ना मरिया करता। चंदर से मैं अभी आया हूँ, मैंने रोडों का हाल देखा, इतना रोड अच्छा है कि यहाँ से अगर खाना खा के जाओ तो भोजन फ्री नहीं चल रहा। हाँ बढ़िया, ईपी रोड बन रहा है, जो इन्होंने बाईपास पोछड़ी गए चाहे जीप से चढ़ लिया जा बढ़ा दिया, मैं तो कैंटी कुंटी में जाता हूँ। आपके गाँव में लगातार मैंने देखा कि हाँ कोई गली ऐसी नहीं जिसमें रोड खराब ना हो, सारे घर रोड खराब है आपके भाई। हम तो जब मोदी की गिरा से कोई पलटी जाओ ठीक है, मैं आखिरी बात यह है ठीक है। मैं तो जयपाल जी, 2024 का विधानसभा चुनाव सर पर है, किस तरह देखते हैं उसको? अब तो बीजेपी का मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी, विकास कार्य बहुत बढ़िया हो रहा है, हम तो मोदी की वोट दें, मोदी की वोट दोगे? हाँ ठीक है। हाल ही में यहाँ से आपके गांव के हल्का से आपके हल्के से विधायक है गीता बुक्कल जो कांग्रेस की है, हाँ जी, उसको किस तरह देखते हैं आप? 10 साल का राज किया उन्होंने तो बीजेपी सरकार, 10 साल में बीजेपी का राज रहा है उसका तो मेरा ख्याल में कोई वो को नहीं रहा कोई खास, कोई काम नहीं किया आपके गांव में। तो अब डॉक्टर राकेश का प्रतिनिधित्व लहराया जा रहा है आपके यहाँ? अभी सीट तो अभी डिक्लेयर हुई नहीं है जी, बाकी जो सीट डिक्लेयर होगी बीजेपी की हम पूरा समर्थन है उसके साथ। ठीक है, धन्यवाद। आप 2024 विधानसभा चुनाव सर पर है, किस तरह देख रहे हैं उसको? मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्टर राकेश हमारा विधायक बनने के लायक है, टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जहाँ भी हमने कहा अपने विधायक को ने बनने के बाद में बना नहीं, फिर भी ये हर मतलब इंसान के साथ में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो उसकी मदद करने के लिए हर टाइम हाजिर खड़ा रहता है।
ऐसे इंसान ऐसे विधायक को बनाने में हमारी कामयाबी है और हमारी सरकार की भी कामयाबी है। मैं यही चाहता हूँ अगर हम टिकट मिलनी चाहिए तो डॉक्टर राकेश को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इंसान एक ऐसा है जो हर टाइम गरीबी के हक में चलता है और गरीबों की सुनाई करता है, और जहाँ जिसको मदद की जरूरत पड़ती है ये तैयार मिलता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाल ही में विधायक है गीता बुक्कल कांग्रेस से, हाँ 10 साल से उनका राज रहा, उनसे क्या कमियाँ रहीं जो आप डॉक्टर राकेश को सुनना चाह रहे हैं? उनकी सारी कमियाँ हैं, उनकी कमियाँ कितनी गिनवाएंगे हम, टोटली कमियाँ ही कमियाँ हैं जी। जितनी बीजेपी सरकार ने हमारे गांव के कम 64 बच्चे लगे हैं, ना पर्ची ना खर्ची कोई भी नहीं लगा, सारे 64 बच्चे लग रहे हैं हमारे गांव के, ना पैसा दिया ना पर्ची, फिर भी हमारे गांव के पास बच्चे लग रहे हैं। तो उजागर ये उन्होंने क्या करा करता है, उनकी पर्ची भी थी और खर्ची भी थी। तो मैं अभी रोड से आया हूँ, मैंने देखा कि रोड इतना अच्छे हैं यहाँ, रोड टूट रहा है, उसके पैसे हमारे को बताए थे किन्होंने, अरविंद शर्मा जी ने 25 करोड़ रुपए मिले थे जी। तो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी सरकार ने, ऊपर से पैसे भेज दिए, लेकिन किसके हक में थे, क्यों हमारा विधायक नहीं था यहाँ का, विधायक गीता बुक्कल थी, क्यों नहीं करवाया हमारा रोड? वो क्या कहती है, एक रोड कैसे ठीक करवाएंगे हम, सरकार तो बीजेपी की है, मैं क्या कर सकती हूँ? रोड तो इतने अच्छे, अगर आप खाना खा के निकलो तो 10-10 मिनट में हजम हो जाए। वो तो बदबू आ रही है वहाँ, यही बोल रहा हूँ मैं तो। हाँ, लेकिन वो कमी किसकी है, अपने विधायक की। विधायक एक ऐसा होना चाहिए जो हर एक इंसान के, हर एक गांव के अंदर तरक्की वान करे, हर जगह सहूलियत की चीज़ें दे। डॉक्टर राकेश है, अब हम जाते हैं वहाँ, झज्जर जाते हैं, हम कहीं भी चले जाते हैं और कहीं भी आ जाता है और हम जाते हैं, लेकिन हमारे हाथ नहीं मिलाएगा, वो सिर ही नीचे करेगा। जिसने सिर झुकाया है, ये भगवान ने भी कहा है, जिसने सिर झुकाया है वो ऊंचे पद पर जाएगा, उसको ऊंचा पद जरूर मिलेगा एक दिन, ये हमारी भी वाणी है। तो अब 2024 विधानसभा में आप वोट की तरफ से आप दोगे? मैं तो साथ हूँ, मैं तो राकेश के साथ में हूँ, मैं तो कांग्रेस वगैरह नहीं हूँ, मैं तो शुरुआत से, जब से लेकर अब तक, सन 1985 से लेकर अब तक मैं बीजेपी का रहूँ, एक वोट भी गिरी तो हमने गिरी, और जो भी कहा है हमने कहा है, और हम जहाँ भी अड़ जाएंगे वहाँ अड़ जाएंगे, सर कट सकता है लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। मेरा नाम अमरदीप। अमरदीप जी, आप गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, निजी काम करते हैं, 2024 का विधानसभा चुनाव किस तरह देख रहे हैं? बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं जी, बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनी है, बहुत ही बढ़िया काम किए हैं, युवाओं को बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दी, और जो हमारी जो MLA है यहाँ से, उन्होंने पिछले दस साल में मतलब न के बराबर को काम किया ही नहीं, और जैसे रोड है जी ये पेंडिंग पड़ा है कुछ सालों से, और विधायक जी ने इसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया, इसकी तरफ बार बार उनको सूचना दी गई, बार बार कहा गया, लेकिन उनको पता यहाँ से आती हैं और यहाँ से वापस जाती हैं, लेकिन आज तक उनके थ्रू कोई सुनवाई नहीं हुई। वही MLA भी रोड वाला, रोड भी ख़राब है हमारा, तो हमारे जो यहाँ से विधायक हैं जिन्होंने बिल्कुल जीरो काम किया है, और काफ़ी, और इस सरकार में इस सरकार में युवाओं को नौकरियाँ मिली हैं, 65 बच्चे नौकरी लगे हैं सालावासगाँव, जिसमें से 6 ग्रेजुएटेड पोस्ट हैं, रिकॉर्ड आज तक है, सालावास गाँव में इतने बच्चे कभी नहीं लगे किसी की योजना में, 10 साल के कार्यकाल में बहुत ही ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिली है, और हम कई और भी काम है, पानी निकासी व्यवस्था है, कई और काम है, विधायक जी के पास लोगों ने सूचना दी, लेकिन आज तक विधायक जी किसी काम के लिए आगे खड़ी नहीं मिली, जो हमारी विधायक है। तो अब इसकी बार वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल जी, वोट की चोट से देना भी चाहिए, लोकतंत्र में सबसे अच्छा तरीका यही है भाई, अपनी वोट घेरो, अगर आपके काम नहीं होते तो वोट से वो करो, जब आप विपक्ष में MLA बनाते हो हर बार, तो अब की बार चेंज कर दो आप उसको, है, और हमारी MLA तो ऐसी है कि मतलब बनी हुई है झज्जर से MLA,
और लोगों को रोजगार दिए हैं सुधराना में, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा क्षेत्र में लगे, ऐसे MLA तो आपको कहीं नहीं मिले। तो अब की बार किसको वोट देते हैं? अब की बार BJP को जानी चाहिए जी। देखो जज्जर लोग विधानसभा से BJP को प्रचंड बहुमत से जिताना चाहिए ताकि सरकार आए तो काम हो सके। 10 साल से पिछले से जज्जर विधानसभा भुगत रही है, विपक्ष में बैठ के कुछ नहीं हासिल किया। 25 करोड़ रुपए भी सरकार ने दिए हैं विधायक गीता बुक्कल जी को, उनका पता नहीं कहाँ लगा है, उनकी कोई सूचना नहीं। बाकी भी युवाओं के लिए जो काम सरकार ने किया है ना, और भाई प्रधानमंत्री योजना है सरकार की, योजना गरीबों के लिए है, पेयजल की योजना भी आई है, और हर घर मतलब लाइट की बिजली की व्यवस्था भी हुई है, जगमग योजना से गाँव जुड़े इस योजना में, पानी की लाइन इस योजना में बिछी है, और युवाओं को नौकरी मिल रही है, भेदभाव नहीं है किसी चीज़ में। लेकिन हमारे क्षेत्र का लोगों का ये होना चाहिए कि बिल्कुल अब की बार 10 साल से आप विपक्ष में बैठे हो, अब की बार वोट की चोट से ईमानदार नेता को चुने, अच्छे नेता को चुने जो आपका विकास करवा सके, जो आपके साथ में खड़ा हो। ठीक, योगेश कुमार। हाँ जी, हाँ जी सर, भाजपा सरकार को सर बिल्कुल राज रहा हो, लेकिन जज्जर हल्के में उन्होंने एक भी काम नहीं कराया है। ठीक है, हमारे गांव में नहीं तो सफाई की व्यवस्था ठीक है, सारे तो जोड़ में दिक्कत है, ठीक है उसमें सफाई नहीं है। और जो जज्जर से मतलब ये कोसली मातनेल वाला जो रोड है, अब तक इतने खड्डे हैं इसके अंदर, 10 साल में कोई भी काम नहीं हुआ, ये रोड नहीं बना है। मेरे स्कूल में, गाँव में सरकारी स्कूल है, 2021 में शायद 2021 में मैंने 11th class करी थी यहाँ से, उस टाइम में यहाँ पे साइंस भी थी, कॉमर्स भी थी, NCC भी थी। आज ना तो यहाँ कोई साइंस का स्टूडेंट है, ना साइंस के लिए टीचर अवेलेबल है, ना ही कॉमर्स स्ट्रीम है, ना ही NCC है। और आज के दिन में 9th से 12th के लिए साइंस का कोई भी टीचर नहीं है, बच्चे ना स्कूल के सभी कमरे टूटे हुए पड़े, ना कोई स्कूल में सुधार है। जज्जर हल्के में कोई भी काम नहीं कराया जो उन्होंने, हम भाजपा कोई भी कार्यकर्ता उठे हम उनके साथ हैं सच्चे तन मन धन से। मेरा रवि कुमार नाम है जी। एक लोकतंत्र का खुशी का माहौल है, अच्छा लगता है हमें, हमारा बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है। हाँ जी, मैं तो सर BJP से जुड़ा हुआ हूँ शुरू से ही। एक अच्छी सरकार है, बेरोजगारी पे अच्छा काम किया है, पहले रोजगार नहीं था, अब अच्छा रोजगार मिल रहा है, और बिना खर्ची बिना पर्ची के जो हमारे युवा वो है लीडर है उनको नौकरी मिली है, ये देख के बहुत अच्छा लगा। एक वो हमारे मिलातू आदमी है, बहुत अच्छा लगता है, आते जाते रहते हैं तो मिलते हैं, अपना हम जो हमारी दिक्कतें हैं उनके सामने साझा करते हैं, इससे हमें अच्छा लगता है। पढ़ने के बाद सरकार की छवि को कुछ दुरुस्त करने का प्रयास किया है, जैसे OBC के लिए भी काम किए हैं, किसानों के लिए भी काम किए हैं, थोड़ा मिलनसार भी हैं पहले से, कार्यकर्ताओं के बीच जाने के एक अच्छा मैसेज दिया है अभी, और दोबारा इन्होंने घोषणा करी दी है कि सैनिक नेतृत्व में चुनाव होगा, तो जनता थोड़ा सैनिक से खुश भी है। बाकी अब कार्यकर्ताओं की मेहनत पर डिपेंड करता है, अभी तो लोकतंत्र है कोई वो तो है नहीं भाई, किसका जो मन में लोग जिसको अच्छा लगेगा वोट देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई तीसरी बार BJP सरकार हो, मोदी का नेतृत्व। धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र जाखड़ जी, गांव सालावास से। हाँ जी, विधानसभा चुनाव जी हर 5 साल में होते हैं जी, आपकी बार 2024 विधानसभा चुनाव, हम तीसरी बार ये सोच रहे हैं कि BJP सरकार तीसरी बार आएगी। जी देखो, उनके खिलाफ एंटी इनकम बेसिक बहुत है, लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं, लोगों के बीच में कमाती जाती है, पब्लिक से कोई उनका जुड़ाव नहीं है, इलेक्शन के टाइम पर दिखाई देती है जी। देखो जी, पिछली बार 2019 का विधानसभा चुनाव भी डॉक्टर राकेश जी ने लड़ाया था, BJP ने उनको टिकट दी थी, और अब की बार भी हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि डॉक्टर राकेश जी को टिकट दिया जाए। 5 साल सक्रिय रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में भागे रहे हैं, आना जाना रहे जी, फोन उठाते हैं और सब बात ठीक है जी। यदि उनको टिकट मिलती है तो कार्यकर्ता जी थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, उनके लिए BJP यहाँ से जीत सकती है।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए हमें तो डॉक्टर राकेश की ज़्यादा उम्मीद है, इनको टिकट मिल जाएगा और अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा हलके के लिए। हम भी चाहते हैं, डॉक्टर राकेश एक मिलाओ सज्जन आदमी है, काफ़ी बार मुलाकात हुई है गांव की उनसे, हमें काफ़ी बार उनके वहां पे भी गए हैं झज्जर, तो इसलिए डॉक्टर राकेश यहां पे आते हैं तो अच्छा काम, रोड का है, कॉलेज इंस्टीट्यूट का है, जो भी है अच्छा काम होएगा। यस, बस यही है, ताकि अभी इस कांग्रेस सरकार में ना जितना भी नशा पता चला है, 2002 में जब कांग्रेस सरकार थी पैसे का उछा, प्रॉपर्टी डीलर थे, क्राइम बढ़ गया था, इस वजह से हमें 2014 के बाद में जो अभी बीजेपी सरकार आई है उसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और हमारे तरफ नशे के बहुत ही कम वो दिक्कतें अभी है बच्चों की तरफ, तो यही सोचते हैं बीजेपी आए एक हैट्रिक लगाए और डॉक्टर राकेश को टिकट मिले यहाँ से। मेरा ऑलरेडी कैप्टन जितेंद्र कुमार, देखो हम पिछले जब से बीजेपी खड़ी, जब तक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के रहेंगे, और बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो स्थायी सरकार हिंदुस्तान को चाहिए और हरियाणा को चाहिए, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। ओलंपिक के अंदर 5 मेडल हरियाणा से है, जो कि 10 सालों से बीजेपी सरकार है और वो कर रही है। और डॉक्टर राकेश एक ऐसे नेता है जो बिल्कुल साफ और बिल्कुल साफ छवि के आदमी है, उनको टिकट मिलना चाहिए और जनता उनके साथ है। देखो गीता बुकल ऐसा है, गीता बुकल ने हमने देख लिया, 60 साल तो कांग्रेस को हो गए और गीता बुकल को 10 साल से देख रहे हम, क्या किया इस हलके में, कोई एक काम गिना दो कि ये काम सामाजिक काम किया है। शिक्षा पे इन्होंने नहीं किया, ट्रांसपोर्ट पे इन्होंने किया, रोड पे इन्होंने कुछ नहीं किया, अभी जो उनको बजट मिलता है उसको भी कोई हिसाब किताब नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा लगा दिया बस उसको गिना देते हैं। अब की बार डॉक्टर राकेश बीजेपी सरकार। धर्मपाल, हाँ हम बहुत बढ़िया देखते हैं डॉक्टर राकेश कुमार साहब के छोर में हैं हम, और वैसे बीजेपी के तो हैं ही हैं, उनको मिल जाए तो क्यों, हमारा ताल्लुका तो उनसे यहाँ इस एरिया में, वो आता जाता रहता है, लोगों से मुलाकात ठीक है, उसकी मुलाकात ठीक है, उसको हम जानते ही नहीं, कुछ नहीं किया इसलिए हम नहीं जानते, उसका नाम नहीं लेना पसंद करते। बता दिए राकेश डॉक्टर, कोई भी बीजेपी के हैं पर डॉक्टर आ जाते और भी उत्तम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर है जी। सबसे पहले आपको नमस्कार, और आपको प्रणाम करता हूँ, मैं पत्रकार बंधु हूँ। रही बात इलेक्शन की, तो आप हम सबसे पहले एक घोषणा करते हैं, मोदी जी सर यहाँ पर भारत के अंदर कोई है नहीं, अभी नहीं। और रही बात हमारे क्षेत्र की, आप बात करें तभी जीता एक काम भी कोई बुरावास का 15 साल का एक काम भी कोई गढ़वा दे तो मैं गाना नहीं लेता हूँ। भूकल ने हमारे ऐसे थी तो वो 15 साल से रह गई, इतने ही तो हमारे रोड के लिए थे, तो वो बनवाए क्यों नहीं, कोई गौशाला बनवाई, उन धर्मशाला बनवाई, कोई स्टेडियम बनवाया हो, कोई कुछ स्कूल बनवाया हो, कोई भी चीज़ के लिए एक काम भी गणवा देगी। अभी सुन रहा था मैं, एक दिन यहाँ पे आई थी हमारे स्कूल के अंदर, तो मैं SMC का हूँ, तो वह बोल रही थी क्या नाम है, मैंने कमेटी हाल के दिए हैं, तो अभी तो वो शुरू भी नहीं आया कमेटी हाल के, सरकार के पैसे तो हमारे हैं, वो सुना है मैंने, कोई क्लियर नहीं उसका क्या है, बाकी कोई काम कोई भी। और 40 बच्चे वे लगे हैं बीजेपी में, 2 JEE हैं, 1 SI है, और 40 बच्चे गरीब आदमी हो गए काम हुए, अब बगैर खर्ची बगैर पर्ची काम हुए हैं बीजेपी के अंदर। और दूसरी बात ये रह गई, आप हमारा जो भी नाला है ये कोई भी चेक कर लेना कभी भी, अभी सैड लग गया है आपको, आप चेक करके दाना, ये हमारा जिला प्रसिद्ध संजय कुमार है मुड़ाड़ा 13 नंबर वार्ड से, उसने बनवाया है, और हमारे मंदिर में भी पास थे अभी, तो तरसई दला की तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो वो काम भी यहाँ होता। दूसरा हमारा बिल्डिंग का पास था 8.5 करोड़ वे अभी टेंडर लाग जाते, उस टेंडर पे भी चल रहे हैं लोग, तो ताला बंद करवाते थे, बोले हम ताला बंद करवा देंगे, हम ऐसे नहीं चलने देंगे स्कूल को, स्कूल में कितने काम करवाए हैं,
बगैर पंचायत बगैर कोई नहीं था उस टाइम पर, तो मैंने डरवा दिया था हमने। बहुत बढ़िया इधर वो था वीडियो साहब, उसने हिंदी में डरवाया, कोई भी पंचायत नहीं उस टाइम की बात बता रहा हूँ आपको, एक डेढ़ साल पहले दो साल पहले कोई नहीं था। तो अब की बात इसको वोट कर रहे हैं आप है? अब की बात इसको वोट देंगे? हम बीजेपी को वोट देंगे, कोई भी प्रत्याशी यहाँ से हमारा कमल का फूल लेके आएगा, हम उसको तन और मन और धन से सपोर्ट करेंगे, खोले हम करेंगे। मैंने सर्वे किया आपके गांव में, डॉक्टर राकेश का लहराया जा रहा परचम। चलो डॉक्टर राकेश है तो डॉक्टर राकेश की, अगर और कोई प्रत्याशी है तो प्रत्याशी उसकी, हम सबकी मदद करेंगे बीजेपी के साथ। बिल्कुल खोले हम ठाड़ी मदद करेंगे।